हेलो फ्रेंड, तो सक्सेस की 100 में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक रासायनिक नाम से रिलेटेड है, तो जो कि पार्ट 3 है, कल पार्ट 2 देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा रक्त के धब्बे जमने में मदद करता है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन की कमी बेरबेरी रोग का मुख्य कारण? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन की कमी, थायमिन, और बेरबेरी रोग का मुख्य कारण विटामिन B1। ये -1 है, विटामिन B-1। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में कितने प्रकार के पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 25, उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें प्लेगरा रोग से बचाता है। तो विटामिन B3। किस विटामिन की अधिकता के कारण जिगर की क्षति होती है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B3। उस विटामिन का नाम बताइए जो हमें मस्तिष्क के स्वस्थ के रूप के लिए आवश्यक है। तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B6, B9, B12। ये सारा जो मस्तिष्क के स्वस्थ के लिए आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, जन्म दोष को रोकने के लिए गर्भावस्था में शुरुआती चरणों में एक महिला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे जरूरी पोषक तत्व है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोनों एवं दृश्य वर्णन के रूप में कार्य करता है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। ये सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, मांसपेशियों में कमजोरी और लाल रक्त कोशिकाओं को नाजुकता में वृद्धि के कारण होता है? तो आप सबका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। तो बस इतना ही। जय हिंद दोस्त, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।